आज मैं लेके आया एक नया तरह का चैलेंज, जहाँ पे मुझे अगर डैमेज मिलता है तो मुझे मिलेगा कोई भी एक रैंडम सा इफेक्ट। अब ये इफेक्ट बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। अच्छा इसलिए क्योंकि मुझे रीजनरेशन भी मिल सकता है, या फिर बुरा ताकि मुझे विदर भी मिल सकता है इससे। अब देखते हैं हमारा सबसे पहला इफेक्ट क्या रहता है। कुछ भी नहीं हुआ, बाप रे इतना लेट करके हुआ, लेकिन मुझे रेजिस्टेंस मिल गया पूरा, थ्री रेजिस्टेंस थ्री मिल गया पूरा 3 मिनट तक। ठीक है, तो ऐसे मुझे डैमेज लेते जाना पड़ेगा ताकि मुझे नए नए इफेक्ट मिल सके। ये देखो मुझे दोबारा मिला, ये है हंगर का इफेक्ट मिल गया। देखा, बुरा इफेक्ट बोला था, बुरा इफेक्ट मुझे मिल भी गया। ठीक है, कोई नहीं, ऐसे करके मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा और पूरे एंड्राइन को मारना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मुझे प्लेन का एक जगह ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं ट्री ले सकूं। हियर वी आर, अब देखते हैं सामने ट्री है। ये कट गया हमारा आखिरी वाला ट्री। यहाँ पे आ गया हमारा क्राफ्टिंग टेबल और यहाँ पे थोड़े से टूल्स जिससे मैं स्टोन का टूल बना सकूं। यहाँ पे आ गए थोड़े स्टोन के टूल्स और वुड का टूल्स, हमेशा की तरह हमारी इन्वेंट्री के बाहर चला जाए। मुझे खाने की जरूरत है क्योंकि मुझे 3 ही फूड बार बचा हुआ है। और यहाँ पे शीप अगर 1-2 मिल जाए तो ओके, शीप मिल गया, ठीक है। डैमेज लेना ज्यादा पसंद करूंगा, लेकिन लूं कैसे? वेल, पानी है तो मैं ड्राउन होके डैमेज लेने वाला हूं। ठीक है, ऐसे करके डैमेज लेते हैं। मैं अंडर ड्राउन फॉर्म पे हूं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, इंस्टेंट हेल्थ, ठीक है। वीकनेस, रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। इनविजिबल और क्या, अरे बाप रे। ओके, वाटर ब्रीदिंग मिल गया, लेकिन वाटर ब्रीदिंग क्यों मिला? अब मैं यहाँ से डैमेज नहीं ले सकता, बहुत बढ़िया। तो टोटल में मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं पूरे 5 इफेक्ट्स और सारे के सारे 3 मिनट तक मेरे साथ रह जाएंगे। निखिल, हाँ मेरा ये वाला फुल हो गया फॉर सम रीजन, आई गेस की रेजिस्टेंस या फिर रीजनरेशन इंस्टेंट हेल्थ की वजह से, आई डोंट नो, मैं गेस कर रहा हूँ जस्ट। बाप रे, वीकनेस के वजह से पूरा 3 शॉट में मरा ये शीप, कमाल है भाई। ओ ग्रेट, ओके मुझे ये रीजनरेशन मिला हुआ है अभी, तो मैं शायद बच सकता हूँ। एक सेकंड, वहाँ पे विलेज है, ओके मेरा मैं जिंदा बच गया, मैं जिंदा बच गया। अब बस अपने चीजों को लेना है और ऐसे भगना है जैसे 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 चाहे भाई। ग्रेट, मैं विलेज में आ गया और देख कर रखते हैं काफी बड़ा विलेज है। पता नहीं, मुझे विलेज के बारे में नॉलेज तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे बेड मिलेगा इतना मुझे नॉलेज है, और मुझे वही चाहिए सबसे ज्यादा पहले। ओके, अब मुझे बस थोड़े डैमेज लेने हैं। ओके, ब्लाइंडनेस, ठीक है। रीजनरेशन है, हेल्थ बूस्ट है, हेल्थ बूस्ट पे भाई कितना सारा हेल्थ। ओए, ये क्या, वो। ओके, लेविटेशन मिल चुका है, जंप मिल चुका है। कर दिया काम। अब मैं ऐसे उतर भी नहीं सकता, बहुत बढ़िया। अब तो मैं मरा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे बार बार मरता रहूंगा, ठीक है। ओ फक, ये क्या हो रहा है, इस स्क्रीन को क्या हो रहा है, सारे के सारे एक साथ मुझे क्यों मिल रहे हैं? अरे नोजिया, स्लोनेस, फायर रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस, वीकनेस, अरे भाई क्या हो रहा है, लेविटेशन, सारे के सारे 3 मिनट तक, पॉइजन तक, मुझे पॉइजन 2 तक मुझे मिल चुका है और ये जा भी नहीं रहा ऐसा लग रहा है। अरे और ऐड हो गया, अरे बचाओ यार मुझे रीजनरेशन के बाद, भाई मेरा क्या हाल हो रहा है, अरे भाई कोई बचाओ मुझे। अच्छा है कि मैं यहाँ पे अटका हुआ हूँ, वरना मैं तो उड़ के कहाँ पे चला जाता। अरे यहाँ पे रेड भी हो रहा है, वाह रीजनरेशन। चलो सारे के सारे इफेक्ट मरने के बाद चले जाएंगे, ये अच्छा है, लेकिन रेड नहीं जाए। आयरन गोलम को संभालने दो, मैं नहीं, उनसे मैं नहीं भिड़ने वाला भाई, बहुत तगड़े हैं ये लोग। मैं एक बेड लूंगा और ऐसे निकल लूंगा, लेकिन ये काम मैं दोबारा नहीं करने वाला, ये इफेक्ट वाला चीज बहुत ही डरावना है। थोड़े से बाहर के विलेज को जाके देखते हैं, निकल ये नमूना भी है जो मुझे दोबारा डैमेज देगा और फालतू में मैं इफेक्ट पाऊंगा, इसको मारना ही पड़ेगा। रेड में सिर्फ 2 ही मॉब बचे हुए हैं, वो बचे रहने दो, ये जितना रेड बड़ा होगा उतना मेरे फाड़ेगा अच्छे से। अबे क्या दिक्कत है इसे। चलो मेरा यहाँ का सब कुछ लूटना तो हो गया, और आई गेस कि अब मुझे ऐसे निकलना चाहिए, ये रेड जाए भाड़ में, आई डोंट केयर अबाउट दिस। वाह, माइनिंग करने जाए गया, फटीक दे दिया, बहुत बढ़िया। 3 मिनट देर से इसे निकल मेरा गया था कम से कम। क्या ये, अरे भाई नहीं 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 नहीं, अब ये 3 मिनट तक मुझे ऊपर लेके जाएगा पूरा का पूरा। एक काम करता हूँ, केव से निकल जाता हूँ इससे अच्छा। अब बस मुझे कैसे भी करके दीवार पे चढ़ना है और बचना है, बस मैं बच गया। अब वेट करो यहाँ पे, कब ये इफेक्ट जाएगा और मैं एक्चुअली बचूंगा यहाँ से। 2000 years later, ठीक है ये तो मेरा हो गया। एक सेकेंड भाई,
ये कैसा चीज है भाई, पहाड़ के अंदर केव? हाँ मुझे पता है मैंने एक्सपेरिमेंटल वो बक्सुदी ऑन किया हुआ है क्योंकि उसके बगैर ये चलता नहीं है मॉड पैक, बट ये तो काफी सही है। ओके बहुत बढ़िया, फायर का रेजिस्टेंस बहुत सही, यही तो चाहिए होता है। कुछ देख कर लगता है कि ये माइन एक बेकार सा माइन है, और यहाँ पे मुझे कोल के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। A few moments later. चलो उस नरक से मैं बाहर आया, और भाई क्या जगह है। आई मीन यहाँ पे कितने सारे हनी बीज भाई, यहाँ पे ये पूरा बायोम है क्या उनका, इतने सारे पॉपीज और इतने सारे हनी बीज, इतना बढ़िया जगह है, आई एम लविंग इट। थोड़े और विलेजेस ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या पता उससे अगर मुझे कोई हेल्प हो। ओके यहाँ पे थोड़ा सा केव गया है, यहाँ पे ट्राई मारते हैं अपने लक, थोड़ा आयरन अगर मिल जाए। ये कॉपर इतना ऊपर ऊपर क्यों होता है, जहाँ पे आयरन होता ही नहीं एकदम। बाप रे पूरा ज़ॉम्बी का झुंड है उधर। आयरन है बट बहुत ही मेरे रीच से बहुत दूर है, नहीं यहाँ पे मैं अपना टाइम लॉस करूंगा जस्ट। ओके सामने एक विलेज दिख रहा है, देखते कि वो वाला वो पुराना विलेज है कि नया वाला है, और आई गेस कि वहाँ पे एक रुइन नेदर पोर्टल भी है जो काफी अच्छा है, और ये हीरो ऑफ द विलेज भी यहाँ पे है, तो क्या पता ये विलेजर्स थोड़े से चीप में मेरे से कुछ ले ले। पैसा ही पैसा होगा, देखते कि ये चीप में मेरे से क्या देगा। ओके 9 कोल के वजह बदले 1 एमरल्ड, और 9 एमरल्ड के बदले 1 सोल, लेकिन मुझे उतना ज्यादा ट्रेडिंग भी करना पड़ेगा, रहने दो मैं ये इसके यहाँ से लूट लेगा जो भी होता है इसके। डैम यही तो चीजें चाहिए था मुझे, तब से मैं ढूंढे जा रहा हूँ ये चीज, और आखिर में जाके मुझे यहाँ पर, अब मैं एक शील्ड बना सकता हूँ विदाउट एनी पेन, और मेरा फुल सेटअप कम्प्लीट। अब देखते हैं अपना रुइन नेदर पोर्टल पे क्या क्या मिलता है, देखते हैं क्या मिलता है। ये काफी बड़ा वाला दिख रहा है मुझे, काफी मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है बे। क्या है, फायर प्रोटेक्शन 3 और प्रोटेक्शन, बाकी इसे कम्प्लीट करने का कोई उपाय है, बीच बीच में ये चीजें लगे हुए हैं ना। ओके इट सीम्स लाइक यहाँ पे और कुछ भी काम का नहीं है, अब देखते हैं कि मुझे दूसरा एक और विलेज मिलता है कि नहीं। ओके सामने वहाँ पे एक और विलेज है, ये एक्सपेरिमेंटल तो बहुत सही है, बार बार मुझे विलेज मिलते जा रहे हैं,